मजा आ जाएगा फ्रेंड्स, लाइव सुनो बोला है, मजेदार है। अब क्या बताओ। तो फ्रेंड बारिश स्टार्ट हो चुकी है, सो के अभी भी उठे थे, अब आ जा रही थी बहुत तेज की बारिश की, तो मैं सोचा देखे शायद स्नोफॉल हो रहा हो। अब बता रहे हैं कि ऊपर टुंगनाथ में काफ़ी अच्छा स्नोफॉल हो रहा है, बस रेडी होते हैं फटाफट फिर चलते हैं ऊपर टुंगनाथ की तरफ, मिलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स रेडी हो चुके हैं ऊपर चलने के लिए, नहा धो लिए, जैकेट वैकेट सब पहन लिया अच्छे से। कैसा लग रहा हो? चश्मा जरूर उतारना कमेंट करके कैसा लग रहा है। ठीक है, आप पहले करेंगे ब्रेकफास्ट, फिर टुंगनाथ के ऊपर के लिए चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। और वेदर काफ़ी क्लीन हो चुका है, बारिश ख़त्म हो चुकी है और मज़ा आ रहा है। ठंड काफ़ी है, ठंड का तो बस कह नहीं सकते हैं, इस जैकेट के भी चैन खोली है तो ठंड लगने लग गई, जैकेट चैन लगा लूँगा तो ठंड नहीं लगेगी। और वेदर देखो कितना प्यारा है, देखो काफ़ी अच्छा वेदर है। तो चलते हैं आगे आगे, दिखाते हैं, एंजॉय करते हैं। रूम से बाहर निकल रहे हैं ऊपर की तरफ, वेदर रोड साइड दिखाते हैं कैसा है। काफ़ी अच्छा है, ऊपर आए हैं रोड पे। होटल था हमारा ये, होटल स्नो व्यू। ये रही हमारी बाइक, रेस्टोरेंट की लोकेशन पूरी स्पीति के हिसाब से बना रखी थी। जैसे हम स्पीति में हमने काजा में स्टे करा था तो हमें फुल ऐसा रेस्टोरेंट मिला था, काफ़ी अच्छी लोकेशन भी लग रही है। लोकेशन तो काफ़ी अच्छी है ही, अंदर का जो इंटीरियर लगा रखा है वो काफ़ी शानदार है, मैं दिखा सकता हूँ। जैसे कि देखो कितना प्यारा है, और इधर देखो एक एक चीज़ काफ़ी अच्छे से इन्हें इंटीरियर लगा रखा है, ऊपर लाइटें फुल कैंडल लाइट, काफ़ी अच्छी लोकेशन पे भी है, काफ़ी अच्छा लगा है। इनका ब्रेकफास्ट चेक करते हैं फिर बताते हैं। चलो तो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है, काफ़ी अच्छा लोकेशन था उसका, अंदर का तो मुझे इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। कभी मैंने अपना अगर ऐसी जगह 5 स्टार खोलने का मेरा मन है बहुत, अगर मैंने खोला है तो इंटीरियर ऐसा ही रखूँगा, काफ़ी अच्छा था। अब ऊपर काफ़ी स्नोफॉल हो रहा है, ऊपर चल के देखते हैं कैसा क्या वेदर है। कह रहे हैं कि 3-4 किलोमीटर टोटली स्नो ही स्नो पड़ी रोड पे, कोई बात नहीं कवर करते हैं, हेलमेट तो है नहीं, हेलमेट लगा के जाएंगे नहीं, अपना गोप्रो इसमें रख के चलते अपना आगे शूट जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स बैग लेके अब ऊपर चलते हैं टुंगनाथ की तरफ, और ऊपर बारिश और स्नोफॉल बता रहे हैं काफ़ी अच्छा खासा, और बाइक चलाते ही पैरों में भी ठंड लगने लग रही है क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स शूज़ पहन रखे हैं, ट्रैकिंग शूज़ भी नहीं है और मेरे पे मगर शू रेन कवर है, उसे पहन लूँगा अभी थोड़ा आगे जाके मैं। तो फ्रेंड्स 10 किलोमीटर कवर कराया है ब्रेकफास्ट करने के बाद, अब चौपटा यहाँ से रह गया कुल 4 किलोमीटर, और ठंड इतनी लग रही है जो बता नहीं सकता मैं ठंड कितनी है। हाथ पैर बिल्कुल, पैर स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आए हुए हैं, ये देखो स्पोर्ट्स शूज़ जो है मेरे पूरे सुन पड़ गए हैं, और ये है मेरे पे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अपर में कुछ नहीं, पैर ऐसे हो गए बिल्कुल सुन, बहुत ज़्यादा सुन, ठंड से बुरा हालत हो गई है, बता नहीं सकता मैं कि कैसी हालत है। साइड में रोक ली थोड़ा, मैंने कहा थोड़ा हाथ पैर थोड़ा रोक के आराम कर ले, और कुछ पीछे बैकग्राउंड देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये टुंगनाथ है, उधर वो टुंगनाथ है ऊपर चंद्रशिला, हमें वहाँ जाना है, टोटली बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ स्नोफॉल हो रहा है नीचे, तो अब मैं बता नहीं सकता, काफ़ी ठंड लग रही है, अपर में तो कुछ नहीं है, पैरों में लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है यार। स्पोर्ट्स शूज़ देख सकते हो मेरे, इसलिए ले आया पहन के मैं,
इसलिए पहन के आ गया स्पोर्ट्स शूज। मैंने कहा ऊपर ट्रैक करना तो आराम मिलेगा, मगर बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा हालत खस्ता है। मैं कोई नहीं, एडवेंचर के तो हम कीड़े हैं, एडवेंचर करना है, एडवेंचर करेंगे। चलते हैं अब आगे, आगे ऊपर दिखाएंगे कैसा है। चलो मिलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, जैसे बाइक लेके आगे निकले, मगर चारों तरफ जो वेदर, क्योंकि यहाँ तो हल्की हल्की स्नो और बारिश दोनों हो रही है, फ़िलहाल तो बारिश हो रही है, हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही है, मज़ा आ रहा है। तब आगे तक हमें पहुँचना है टुंगनाथ तक। मैं तो सोच ही रहा हूँ कि रोड पे ब्लैक आइस ना मिल जाए, क्योंकि ब्लैक आइस मिल जाएगी तो मैं गिर जाऊँगा। क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं नरकंडा राइड पे जा रहा था, कपल राइड, तो उस टाइम स्नो ब्लैक आइस में बदल चुकी थी, तो बाइक काफ़ी गिर रही थी, तो इसलिए मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। मगर कोई बात नहीं, इस बार तो मैं काफ़ी कुछ तैयारी करके भी आया हूँ, क्योंकि अगर रोड पे स्नो मिलेगी भी तो उसके लिए मेरे पे स्नो चैन हैगी। मगर कोशिश पूरी यही है, ना मिले तो ठीक है, मिल जाएगी, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, मगर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ना ही कोई प्रॉब्लम है। तो अभी तक तो फ़िलहाल साइडों में बर्फ़ है जो आप देख रहे हो, काफ़ी अच्छा है, मज़ा भी आ रहा है। वीडियो में बने रहना लास्ट तक, काफ़ी कुछ देखने को अच्छा मिलेगा इसमें, क्योंकि आगे जो टुंगनाथ जो टेम्पल है, बस हमारे पास थोड़ा सा ही है। और ये जो गाड़ियों पे स्नो है ना, ये अभी ही गिरी है, स्नोफॉल अभी हुआ है, ऊपर तो काफ़ी शानदार हो रहा है। ये गाड़ियाँ आ गई है, टुंगनाथ ट्रैक का पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट है। अब आगे टुंगनाथ ऊपर दिखाते हैं, चलो। तो टुंगनाथ ट्रैक स्टार्ट कर दिया है, टुंगनाथ पर आ चुके हैं ऊपर, यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। और वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे मैं बताता चलता हूँ, काफ़ी स्नोफॉल हो रहा है, बादल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर चलते चलते अब मैं गोप्रो से शूट करूँगा, दिखाऊँगा। चलते हैं अब आगे। तो फ्रेंड्स, टुंगनाथ के ऊपर ट्रैक चालू करा है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, स्नो पड़ी हुई है चारों तरफ और हल्की हल्की बारिश हो रही है, क्योंकि स्नो अभी चला चुका है और बता रहे हैं ऊपर बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा टफ है। एक हाई अल्टीट्यूड पर जा रहे हैं, मौसम साथ नहीं दे रहा है बिल्कुल भी, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और बारिश स्टार्ट हो चुकी है, ऊपर स्नो हो रहा है। अब क्या बताएं, ऊपर कैसे कंप्लीट करें ट्रैक, देख सकते हो चारों तरफ कितनी स्नो पड़ी हुई है चारों तरफ, ठीक है। इधर भी देख सकते हो स्नो काफ़ी है, हिम्मत से कहते हैं ना, अभी तो थोड़ा सा ऊपर आए हैं, 200-300 मीटर ऊपर आए हैं, शरीर जवाब दे रहा है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। अब देखते हैं ऊपर चलते चलते शूट कर रहे हैं, दिखाते हैं, चले। तो फ्रेंड्स, स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है हल्का हल्का, जैकेट पे देख सकते हो, और काफ़ी ऐसा स्नोफॉल हो चुका है। क्या स्नोफॉल का नाम लेते ही ना थोड़ी जान में ना जान आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। अब ऊपर चलते हैं, एंजॉय करेंगे, स्नोफॉल फुल दिखाएंगे, यहाँ तक आना वसूल हो चुका है वो हमारा, अब ऊपर जाना है तो जाना है, एंजॉय करते हैं, बने रहना वीडियो को लास्ट तक, सब कुछ दिखाऊंगा, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, स्नोफॉल लाइव, जहाँ तक जाओगे वहाँ तक बर्फ बर्फ है, लाइव स्नोफॉल है, काफ़ी टाइम बाद मिला ऐसा स्नोफॉल, मज़ा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, चारों तरफ
बर्फ ही बर्फ है और फिसलना बहुत हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, सब कुछ है और मज़ा आ रहा है। बाल भी स्नो में भीग चुके हैं और मज़ा आ रहा है। कुछ भी कहो, वसूल हो गया हमारा ट्रिप यहाँ आना। थोड़ी मौसम ठंडा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या बताऊँ, बता नहीं सकता। यहाँ आके आज यह है कि मेरा ट्रिप जो है वो वसूल हो गया आज बढ़िया करके। दोस्तों वीडियो में बने रहना लास्ट तक, काफ़ी मज़ा आएगा, देखने लायक है, क्योंकि चोपटा तुंगनाथ ईजी नहीं है, टफ है। स्नोफॉल में तो बहुत ज़्यादा टफ है। ये स्नो गिर रही है हल्की हल्की, ये देखो स्नोफॉल हो रहा है, ये हल्का हल्का अभी हो रहा है, मज़ा आ रहा है। बने रहो, दिखाता हूँ मैं तुम्हें, कुछ फोटोशूट अपने करता हूँ वो भी शेयर करूँगा। स्नोफॉल हो रहा है मज़ेदार, काफ़ी मज़ा आ रहा है। अब क्या बताऊँ, बताने को भी इतना कुछ बोल चुका हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बताऊँ। लाइव स्नोफॉल देख के मज़ा आ रहा है और जैकेट उतार रही थी थोड़ी फ़ोटो शूट कराने के लिए। बताना देख के कमेंट में कि फ़ोटो कैसे कैसे अच्छी आई है, कैसे आई है। काफ़ी मज़ेदार है, बस एक चीज़ की कमी रह गई, मेरा ड्रोन होता तो और मज़ा आता है। मैं कोई नहीं, आगे अपडेट करेंगे, बने रहना वीडियो में, मिलते हैं आगे, चलो। तो फ्रेंड्स स्नोफॉल काफ़ी तेज़ हो रहा है, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, ऊपर जा रहे हैं, जितना ऊपर जा रहे हैं हाई अल्टीट्यूड है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, मगर ऊपर तो जाना ही है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सांस ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, क्योंकि हाइट पे हम 13,000 फीट पर आ चुके हैं, हाइट भी ऊपर काफ़ी है, मगर चलते हैं आगे आगे, जाना है तो जाना है, क्योंकि ऐसी स्नो भी काफ़ी टाइम बाद देखने को मिली है मुझे, इसलिए मैंने अब माइक लगा लिया है, जो वॉइस हवा की बिल्कुल भी नहीं आएगी, सिर्फ स्नोफॉल दिखेगी, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। ऊपर चलते हैं, इन्जॉय करेंगे, और साथ में वीडियो में बने रहो, इन्जॉय आप भी करो। फ्रेंड्स लाइव तो आ नहीं पा रहे थे क्योंकि नेटवर्क आ नहीं रहे थे यहाँ पे, तो वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, देख के बताना जरूर, मज़ा आ जाएगा। फ्रेंड्स लाइव स्नोफॉल है, मज़ेदार है। अब क्या बताऊं पवन, हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, जैसा सोचा था वैसा ही सेम बिल्कुल भी, और बर्फ अभी तो नीचे है, बिल्कुल पूरा मज़ा आ रहा है, क्योंकि यहाँ हल्की अभी ऊपर और बता रहे कि ऊपर और भी ज़्यादा है। तो अभी हमें 3 किलोमीटर ऊपर जाना है, अभी 3 किलोमीटर का ट्रैक करके आए हैं, 3 किलोमीटर ट्रैक अभी और ऊपर है, और काफ़ी अच्छी जगह है। हमने सोचा था पहले न्यू ईयर पे आने का, यहाँ पे 31 तारीख को हम आ रहे थे, तो हमने मैप में देखा, मैप ने स्नोफॉल 4 तारीख का दिखाया, 5 का दिखाया, 6 को दिखाया, तो हम 4 को अपना दिल्ली से निकले, 5 को यहाँ तक आए हैं, तो स्नोफॉल पड़ गया है, ठंड लग रही है। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके वीडियो बनाएंगे, फिर बताना। और फ्रेंड्स योगेश तुझे आना चाहिए था, नहीं आके गलती कर दी है, मगर कोई बात नहीं, पैर में चोट थी, मैंने सबको बोला था मेरे फ्रेंड्स आ जाते हैं, मज़ा आ जाए, आंधी आ रही है, अब क्या बताऊँ। ये देखो पेड़ कैसे चल रहे हैं, स्नोफॉल बहुत तेज़ हो चुका है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है, मज़ा आ रहा है। अब क्या बताऊँ, ऊपर चल के बताऊँगा, वर्ड नहीं है मेरे पास बोलने के लिए इस टाइम, कुछ भी नहीं है। तो अब स्नोफॉल हल्का सा कम हुआ है, रुक गया है, अब जितना जल्दी हो सके इतना ऊपर हमें पहुँच जाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि अभी 3 किलोमीटर ही आए हैं, 3 किलोमीटर ट्रैक अभी और है, इसलिए थोड़ा स्पीड लेके ऊपर चढ़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल तो कम है, मगर चलते चलते इधर का। हाँ टुकनाथ ट्रैप पे हमारे फ्रेंड्स मिले हैं, क्या नाम है भाई आपका? अभिषेक भाई रोहिणी से हैं, दिल्ली से। भाई हम आपके सब्सक्राइबर हैं, हमने आपकी सारी वीडियो देखी है, और अब यहाँ पे आए हुए हैं तुंगनाथ की चढ़ाई करने, ट्रैकिंग करने आए हुए हैं। स्नोफॉल ने बहुत ज़्यादा दिक्कत कर दिया हमारे साथ, पर हम कर ले रहे हैं, नेचर का एंजॉय ले रहे हैं आप सभी भाइयों के साथ, और आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, हम आपकी वीडियो बहुत देखते हैं भाई, एडवेंचर के लिए सब आए हुए हैं स्नोफॉल में, एडवेंचर के चक्कर में, हालत डाउन है, बहुत ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड तो है ही, उसके साथ साथ स्नोफॉल हो चुका है, हालत बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है, मगर एडवेंचर करना है तो चल रहे हैं ऊपर बाबा के पास। बोल हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। और ये भाई दो भाई और हमारे साथ में रोहिणी से,
क्या हाल है भाइयों, बहुत बढ़िया चैनल है भाई का, सब्सक्राइब करते रहना भाई। हम तो सब्सक्राइबर है, मिल गए भाई को पहचाना। हाँ भाई, आप तो ऐसे तो नहीं जाने देंगे। हमने कहा भाई के साथ एक वीडियो बनाई छोटी सी। हाँ जी, बहुत भाई आपके लिए जा रहे हैं। बहुत स्नोफॉल थी, अब तो फिर भी थोड़ा सा हल्का हुआ है, पहले तो बहुत ज्यादा स्नोफॉल थी। देख सकते हो चारों तरफ कोरा ही कोरा है और बर्फ की बर्फ है, चादर हो गई है इकट्ठी। चलो 2 किलोमीटर का ट्रैक कम्प्लीट करा, भी थक गए, बुरी हालत हो गई है, 2 बार गिर चुके हैं, चोट लग गई, क्योंकि रेन कवर के जो शू कवर है ना, ये रपट रहे हैं बहुत ज्यादा, चोट लग गई है, गिर रहे हैं, अब प्यास लग रही है, पानी पीते हैं और आगे ट्रैक कंप्लीट करेंगे थोड़े बैठ के, क्योंकि ट्रैक के साथ साथ स्नोफॉल ने ऐसी तैसी मार दी हमारी। डेंजर है स्नो में आना, एडवेंचर के चक्कर में लगी पड़ी आज तो। चलो बने रहो, आगे चलते हैं वीडियो में। तो यहाँ से टुंगनाथ अब कुल 500 मीटर रह गया है, अब बर्फ बहुत ज़्यादा है, हम गिर भी काफ़ी रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैंने जो मैं गिरा था तो वो मेरा एक तो अपना गोप्रो का अडेप्टर माइक का था वो टूट गया है, तो एक एक्स्ट्रा हर चीज़ मैं अपने बैग में जरूर रखता हूँ, तो उसका अडेप्टर टूट गया था। फिसलन बहुत ज़्यादा है, हर कोई गिर रहा है, वीडियो में भी देख सकते हो काफ़ी गिर रहे हैं, प्रॉब्लम तो है ही, मगर ऊपर चढ़ना है। बर्फ़ कभी कभार अपने साथ अच्छा तो होता है, स्नोफॉल स्नो सबफॉल के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम तो होती है, मगर इन्जॉय करना है, इन्जॉय करने के लिए आए तो इन्जॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। चलो अब ऊपर चलते हैं टुंगनाथ की तरफ, फटाफट खींच के ऊपर चलें, वो टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो ट्रैक कंप्लीट, टुंगनाथ टेंपल अब हमारे सामने है, ये गेट है टुंगनाथ टेंपल का, अब यहाँ से बाबा का नाम लेके अंदर। तो काफ़ी अच्छे लोकेशन पे है, देख सकते हो कितना अच्छा है, हाई एल्टीट्यूड के साथ साथ हाई माउंटेन्स पे पहला एक शिव जी का मंदिर है जो सब में ऊपर है। फाइनली टुंगनाथ ट्रैक कंप्लीट हुआ है, ऊपर आ चुके हैं, वेदर रिपोर्ट काफ़ी अच्छी है, आना एक्सपीरियंस हमारा थोड़ा टफ रहा है, अब जो अब नीचे डाउन जाना है क्योंकि कपाट बंद है, वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऊपर बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहना, नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखना, उसमें भी एडवेंचर है क्योंकि हम डाउन जा रहे हैं, वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा क्योंकि व्लॉग थोड़ा हमारा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय, टेक केयर।